नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौर परिवार के बारे में। सौर परिवार में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं, और आकार के हिसाब से भी हम लोग पढ़ेंगे कि आकार के हिसाब से कौन कौन से ग्रह आते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि किस किस ग्रह को आप नंगी आँखों से देख सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति के बारे में मैंने बताया था कि यह पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सबसे भारी भी है। पूरे जितने भी 7 ग्रह हैं बाकी के, बृहस्पति को छोड़ करके, उनमें जितना भी मटेरियल है उन सबको मिला करके अकेले बृहस्पति ग्रह में है, ये इतना बड़ा है। तो बृहस्पति मतलब जुपिटर के बारे में हम और भी देखेंगे चीज़ें जुपिटर के बारे में। जुपिटर देखिए, एक दो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि ग्रहों का खोज किसने किया था। ग्रहों का खोज केपलर ने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। ग्रहों का खोज ये किया था केपलर। ग्रहों का खोज किसने किया था? केपलर ने किया था। और सौर मंडल का खोज किसने किया था? सौर मंडल या सौर परिवार का खोज किसने किया था? तो ये किया था कॉपरनिकस। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ग्रहों का खोज किसने किया? केपलर ने किया। और सौर मंडल का खोज किसने किया? कॉपरनिकस ने किया था। देखिए, बृहस्पति के बारे में मैंने बताया था, बृहस्पति और शनि के बारे में, कि वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह शनि के हैं। लेकिन इससे पहले आप चले जाएंगे तो नेचुरल सेटेलाइट यानी कि उपग्रह सबसे ज्यादा बृहस्पति के थे। तो इसमें 4 प्रमुख हैं। बृहस्पति के 4 ऐसे उपग्रह हैं जो बहुत ही फेमस है, जिसको गैलीलियो ने देखा था, इसीलिए उसको गैलीलियो सेटेलाइट भी कहा जाता है, गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है। इनका नाम है गेनीमेड। उसके बाद है यूरोपा, आयो और कैलिस्टो। ये जो 4 उपग्रह देख रहे हैं, इन 4 उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने ही इनको खोज किया था, इनको देखा था। अब इसमें जो गैनीमेड आप देख रहे हैं, गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह नेचुरल सेटेलाइट है, बड़ा उपग्रह है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमेड है। और गैनीमेड बृहस्पति का भी सबसे बड़ा है। उसके बाद एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पायनियर जो सेटेलाइट छोड़ा गया था वो किस ग्रह के लिए छोड़ा गया था, किस ग्रह के बारे में पता करने के लिए छोड़ा गया था। तो वहाँ के मौसम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता करने के लिए पायनियर उपग्रह बृहस्पति के लिए ही छोड़ा गया था। तो ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में। तो शनि के बारे में देखिए, बृहस्पति तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये ग्रह है। मतलब कि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है, देखने में सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है ये। बृहस्पति हो या शनि है हो, इन दोनों पर मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, इन सब के बादल छाए हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इन पर ये गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी गैसें? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, ये 4 गैसें पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है ये। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, खासियत इसकी क्या है कि इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। लगभग 10 वलय अभी तक खोजा गया है। वलय को खोज भी गैलीलियो ने ही किया था। गैलीलियो ने इसके चारों तरफ वलय को देखा था, रिंग्स बोलते हैं वलय को, इनके चारों तरफ रिंग्स को देखा था। तो
इसकी जो विशेषता है, विशेषता चारों तरफ वलय का पाया जाना, तो इसे ध्यान में रखना है। विशेषता इसकी ये है कि चारों तरफ वलय का पाया जाना, और इसके भी ऊपर बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, किसके, मीथेन के, मीथेन का, उसके बाद अमोनिया का, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी गैस इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो शनि के बारे में भी याद रखना है। अच्छा, दूरी के अनुसार आप समझ रहे हैं, पृथ्वी के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, तो छठा ग्रह है दूरी के अनुसार। उसके बाद छठा ग्रह है। अब देखिए, वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है, वर्तमान में जो खोज किया गया है। पहले के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास थे, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा 81 उपग्रह इसके खोज किए जा चुके हैं, मतलब वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह इसके पास हैं, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह 81 उपग्रह इसके पास है। इनमें सबसे बड़ा इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सेम चंद्रमा जैसा है, लेकिन इसका आकार बुध ग्रह से कम नहीं है, बुध ग्रह के बराबर ही माना जाता है, तो टाइटन को भी याद रखिएगा। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है, ये सैटर्न का, शनि का, टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिस पर सिर्फ नाइट्रोजन का बादल छाया हुआ है, सिर्फ नाइट्रोजन का बादल छाया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। एक उपग्रह और है शनि का, जो शनि पश्चिम से पूरब अगर चक्कर लगाता है तो ठीक उसके उल्टा घूमता है, उसका नाम है फोबे नामक उपग्रह शनि का उल्टा घूमता है। मतलब कि देखिए, बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए, शुक्र और अरुण को, मतलब कि वीनस और यूरेनस को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे ग्रह वैसे ही घूमते हैं जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, वैसे सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस जो दो ग्रह हैं, ये उल्टा घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर शनि जो है, शनि ये पश्चिम से पूरब घूमता है, तो इसका एक उपग्रह है फोबे उल्टा घूमता है। ये भी कैसे घूमता है, तो पूरब से पश्चिम घूमता है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला है यूरेनस। कौन सा यूरेनस, उसको बोलते हैं अरुण। अरुण ग्रह को देख लीजिए, देखिए यूरेनस, अरुण ग्रह भी आकार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा है कौन, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद कौन आता है, अरुण, अरुण मतलब यूरेनस। तो अरुण क्या है कि ऐसे तो आकार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन दूरी के हिसाब से देखिएगा तो सातवां सबसे दूर ग्रह है, ध्यान में रखना है। ऐसे ही कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे याद ही होगा आपको। तो अरुण में क्या खास बात है कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसे किसे, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं, तो ये अरुण को बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान में रखना है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है, कि एकमात्र ग्रह है जिसके दोनों ध्रुव सूर्य की तरफ है, मतलब कि जैसे ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो इसका एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, मतलब नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, लेकिन ये इतना चपटा है कि इस तरीके से हो गया है, मतलब एक पोल इसका यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब सूर्य की तरफ ये पड़ा हुआ है। लगभग ये अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये जो आप अरुण को देख रहे हैं, ये अपने अक्ष पर 97 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है, सेल्सियस नहीं, 97 डिग्री मतलब 97 डिग्री ये झुका हुआ है,
तो बताइए क्या होगा, मतलब इसका जो दोनों पोल है वो समझिए कि सूर्य की तरफ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी खोज बहुत बाद में की गई थी, मतलब पहले तो 5-6-7 ग्रहों के बारे में ही पता किया गया था, 6 ग्रहों के बारे में, सातवां ग्रह इसकी खोज 1781 में की गई थी, 1781 में इसकी खोज की गई थी, 1781 में विलियम हर्सेल नामक वैज्ञानिक द्वारा खोज किया गया था, इसे ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं, इसके चारों तरफ भी लगभग 9 वलय पाए जाते हैं, तो इसके चारों तरफ भी वलय पाया जाता है, वलय पाया जाता है, वलय मतलब रिंग, तो इसे ध्यान रखना है। इसके चारों तरफ भी वलय पाया जाता है और उसमें कुछ नाम भी रखा गया है, ऐसे पूछा जाता है, उसमें नाम रखा गया है अल्फा, बीटा, गामा, उसके बाद डेल्टा भी रखा गया है, उसके बाद एप्सिलॉन रखा गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ये किनके वलय का नाम है, कौन से ग्रह के वलय का नाम है, तो आंसर आपको बताना होगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो ध्यान में रखना है ये किसके ग्रह हैं, तो ये पांचों प्रमुख हैं जो वलय हैं, ऐसे 9 वलय पाए जाते हैं इसमें, लेकिन पांचों पांच का नामकरण किया गया है, पांच का नाम दिया गया है, तो इसे ध्यान में रखना है। इस पे भी वही सारी गैसें पाए जाते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि शुरुआत के चार ग्रह जो हैं जिसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद जो वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो चार ग्रह हैं इनको बाहरी ग्रह माना जाता है, ये गैसों से बने हुए हैं, तो गैसों से ये भी बना हुआ है, इसे भी ध्यान, मतलब गैस के बादल ही इस पे छाए हुए हैं। अगला पॉइंट, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रान, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टिट्रान, तो इसे ध्यान रखना है, टिट्रान इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है वरुण, वरुण ग्रह नेपच्यून। देखिए, वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, ये तो पहला पॉइंट याद रखिए, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है तो सबसे ठंडा ग्रह है, तो सबसे दूर ग्रह, उसके बाद सबसे ठंडा भी यही होगा, सबसे ठंडा ग्रह है, इसे ध्यान रखना है, सबसे दूर ग्रह है, इस पे समझिए कि -200 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, लगभग टेम्परेचर जो है यहाँ पर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक यहाँ पर रहता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा, इस पे इतने ज़्यादा मीथेन के बादल छाए हुए हैं कि मीथेन के बादल और अमोनिया के बादल के कारण, सबसे ज़्यादा मीथेन ही है यहाँ पर, ये हरे कलर का दिखता है, हरे रंग का दिखता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि मीथेन के बादल छाए होने के कारण, बादल के कारण कारण हरा ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह। इसकी खोज सबसे बाद में की गई थी, सबसे बाद में इसकी खोज की गई थी 1846 में, जोहान गाले नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जोहान गाले। तो ध्यान में रखना है 1846 में इसकी खोज की गई थी। ये सब पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, अब नहीं ऐसा पूछा जाता है, आप देखेंगे 2-3 सालों से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये सब उतना ध्यान नहीं रखना है, बस हरा ग्रह किसे कहा जाता है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, ये सब ध्यान में रखना है, रेयर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नाम जानते होंगे आप लोग, प्लूटो का। देखिए, हमारा 9वां ग्रह था कौन सा, 9वां ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 हैं, 9वां ग्रह था प्लूटो, प्लूटो ये 9वां ग्रह था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन रखे जाते हैं कि ग्रह किसको बनाया जाए, मतलब ग्रह होने के लिए भी एक टर्म्स कंडीशन चाहिए,
जैसे अभी हाल ही में दुनिया का 8वां महादेश खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। तो कहने का मतलब कि वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो सटीक रहा, इसलिए उसको विश्व का 8वां महादेश माना गया है। तो वैसे ही 9वां ग्रह तो मान लिया गया था, लेकिन बाद में जब पता चला कि ग्रहों की जो टर्म्स कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है ये, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया। तो ये हाल ही में एग्जाम में बिहार साइंस में पूछा गया था, जो अभी प्री का एग्जाम हुआ था उसमें। तो ये इसे ध्यान में रखना है कि 2006 में इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई थी उसके हिसाब से 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। बौने ग्रह वही होते हैं जो ग्रह नहीं होते हैं, उन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अब ये ग्रह नहीं रहा है, ये बौना ग्रह है। लेकिन अभी जो 9वां ग्रह की बात चल रही है, 9वां ग्रह जब जिसका खोज किया गया है उसका नाम है करला। करला की खोज 1987 में हुई थी, लेकिन अभी तक उसे ग्रह को नहीं माना गया है, लेकिन बाद में हो सकता है कि आने वाले समय में इसे मान लिया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखना है, प्लूटो को हटा करके हो सकता है कि करला को लाया जा सकता है। और 10 नए ग्रहों की खोज की जा चुकी है। पृथ्वी जैसे अभी कितने ग्रह हैं कोई नहीं जानता है, जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ रहा है उस तरीके से हम लोग खोज कर रहे हैं। मतलब कहने का है कि मनुष्य इतना ज़्यादा खोज करने में मतलब तत्पर है कि देखिए आप चंद्रमा पर पहुँच गया, चंद्रमा से पहुँचने के बाद अब धीरे धीरे मंगल ग्रह पर पहुँचने की योजना बना रहा है, उसके बाद अंतरिक्ष में और भी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में, किसके बारे में, चंद्रमा। इसी के बारे में खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं चंद्रमा यानी कि मून के बारे में। देखिए चंद्रमा, आप जानते होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में 27 दिन 7 घंटे का समय लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही बना हुआ है, ऐसा ऐसा पता चला है कि चंद्रमा जो है उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी पुरानी है। पृथ्वी जब शुरुआती दौर में बन रही थी, वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी का जब शुरुआती दौर में निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी का ही कोई भाग टूट गया और टूट करके उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, तो इस तरह से चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो चंद्रमा का जो अध्ययन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं ये पूछा जाता है। तो चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोलॉजी। तो इसे ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। अच्छा, चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी पुरानी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ये कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में भी वैज्ञानिक जोर शोर से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पर हमारे देश से भी गया है, जैसे चंद्रयान गया, अभी चंद्रयान 2 भेजा गया था उसके दक्षिण ध्रुव पर। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी और भी बाकी के जो देश हैं वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा के बारे में वहाँ पर आखिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्यों है, वहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं है, जल क्यों नहीं, इन सब के बारे में पता किया जाए। हो सकता है कि अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया था कि वहाँ पर कपास का पौधा उगाने का प्रयास किया था, कि हो सकता है कि ये इस टाइप का प्रक्रिया करने से वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित हो जाए, ऑक्सीजन आ जाए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसे जीवाश्म ग्रह, ये पॉइंट VVI है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स, फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है, इसे ध्यान में रखना है। जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। उसके बाद चंद्रमा की जो सतह है उस सतह पर टाइटेनियम धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि चंद्रमा के सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। तो अगला पॉइंट,
चंद्रमा के सतह में सर्वाधिक टाइटेनियम धातु पाई जाती है। तो इसे ध्यान में रखना है, चंद्रमा के सतह पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है, टाइटेनियम नामक धातु पाई जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब चंद्रमा का जो परिक्रमण और घूर्णन, मतलब चंद्रमा जो परिक्रमा करता है चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो चंद्रमा का जो चक्रण है और घूर्णन है वो एक ही, मतलब एक ही टाइम का है। जैसे 27 दिन 7 घंटे में अगर वो चक्कर लगाता है तो लगभग उसी टाइम में वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। तो अगर परिक्रमा कहा जाए या अक्ष पर घूमने का समय कहा जाए, तो दोनों एक होने के चलते हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। आप चंद्रमा का कभी भी दूसरा भाग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है हमेशा। यही कारण है कि चंद्रमा जितना देर में अपने अक्ष पर घूमता है उतने ही देर में वो पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है। इसीलिए चंद्रमा का 57% भाग ही हम देख पाते हैं, कभी कभी लगभग में 60% देता है। तो ध्यान रखना है, चंद्रमा का कितना परसेंट भाग हम लोग देख पाते हैं, 57% भाग देख पाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो घूर्णन गति है, घूर्णन काल और चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है, वो दोनों सेम टाइम में है। इसीलिए वो ऐसे निकलते जाता है और हम भी ऐसे ही देखते चले जाते हैं, तो वो कभी पीछे वाली भाग को हम लोग देख नहीं पाते हैं। और वो जो अंधेरे वाली भाग है, जो चंद्रमा का पीछे वाला भाग है जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसे धूल भरा मैदान यानी कि सी ऑफ ट्रांकलिटी कहा जाता है, शांति सागर के नाम से जाना जाता है। तो उसे भी ध्यान में रखना है कि चंद्रमा के अंधेरे भाग को सी ऑफ ट्रांक्युलिटी कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, शांति सागर कहा जाता है चंद्रमा के किस भाग को, अंधेरे भाग को। तो चंद्रमा के अंधेरे भाग को शांति सागर कहते हैं, धूल भरा मैदान है वो, लेकिन हम लोग उसे देख में नहीं पाते हैं। उसके बाद अब देखिए, अब पृथ्वी पर जो सामान्यतः ज्वार आता है, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आता है। मतलब कि पृथ्वी पर सामान्यतः ज्वार चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आती है। चंद्रमा पर सामान्यतः जो ज्वार आता है, ज्वार समझ ना, टाइड्स, तो ज्वार जो आता है, टाइड आता है चंद्रमा का। देखिए, ज्वार और भट्टा होता है, ज्वार उसको बोलते हैं जब पानी ऊपर के उठता है और नीचे होकर के ऊपर उठते हुए जब आगे बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, और नीचे गिरता है फिर और पीछे हटता है तो उसको बोलते हैं भट्टा। तो इसे ध्यान में रखना है, पृथ्वी पर जो टाइड्स आता है ज्वार, वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है। लेकिन अगर सबसे ऊंचा ज्वार की बात की जाए, तो सबसे ऊंचा ज्वार तो जब तीनों एक सिद्धि में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, तो ये लगा रहा है मान लीजिए चंद्रमा, यहाँ आ गया, ऐसे चक्कर लगाते हैं चंद्रमा यहाँ आ गया। अब बताइए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों यहाँ पर फोर्स लगाएगा, तो पृथ्वी से जो जल है, महासागरों का जल का ऊपरी हिस्सा, वो ऊपर के उठता है, उसको बोलते हैं बहुत ऊंचा ज्वार। तो ऊंची ज्वार कब आती है, सर्वाधिक ऊंची ज्वार, ये ऐसे अमावस्या पूर्णिमा को ही ऐसा संभव है कि आता है। तो देखिए, ऊंची ज्वार के समय जो चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा का जो रेशियो होता है, वो चंद्रमा का और सूर्य का, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर ये जो चंद्रमा है, ये सूर्य 11 लगाता है अगर अपना ग्रेविटेशन फोर्स, तो चंद्रमा लगाता है 5। मतलब कि 11:5 याद रखिएगा,
कि इनका ये रेशियो हिसाब से होता है, जब ऊंचा ज्वार आता है तो सबसे ज़्यादा ताकत के हिसाब से और ऊंची ज्वार उसी समय आती है। लेकिन सामान्यतः जो ज्वार आता है वो चंद्रमा के ही हिसाब से आता है, मतलब चंद्रमा के चारों तरफ घूमने से आता है, और वो जब पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक, क्योंकि देखिए एकदम गोलाकार गोलाई में नहीं घूमता है, मतलब अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के एकदम चारों तरफ गोलाई में नहीं, अंडाकार अवस्था में घूमता है। तो कभी ना कभी तो ऐसा समय आता होगा जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आता होगा, तो बहुत नज़दीक आता होगा तो उस समय ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते पानी के लेवल जो होती है ऊपर उठ जाती है, उसे ज्वार कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चंद्रमा का गुरुत्व शक्ति पृथ्वी का 1/6 है। चंद्रमा का जो गुरुत्व शक्ति है पृथ्वी का कितना है, 1/6 है। मतलब आप अगर पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो चंद्रमा पर कितने केजी के हो जाएंगे, 10 kg हो जाएंगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा भारी हैं तो इसका मतलब ये आपकी क्वालिटी नहीं है, ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हो सकता है कि आप किसी और ग्रह पे जाएंगे तो आप 2 kg के हो जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो मतलब अलग अलग हो जाएंगे। तो वही बात है कि ये गुरुत्व शक्ति जो है चंद्रमा का वो पृथ्वी का 1/6 है। अगर पृथ्वी पर आप 600 kg के हैं तो चंद्रमा पर 100 kg के होंगे। उसके बाद कभी आप साइंस पढ़ेंगे फिजिक्स, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। मैं यहाँ पर वेट का बात कर रहा हूँ, न कि मास का। उसके बाद चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, मतलब इससे 81 गुना ज़्यादा है। ये ध्यान में रखना है, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81 है तो चंद्रमा का 1 है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, महत्वपूर्ण है, 81 है। तो बात समझ रहे होंगे आप लोग। अच्छा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आपको मैंने बताया था किस पर, मंगल ग्रह पर, नाम था निक्स ओलंपिया पर्वत। अब यहाँ पर भी एक पर्वत है जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, चंद्रमा पर एक ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत, उसका नाम है लिबनीटज पर्वत। ये 10,668 मीटर ऊंचा है, मतलब देख लीजिए आप कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, और ये दक्षिणी ध्रुव पर। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है जिसका नाम क्या है, लिबनीटज पर्वत, और लिबनीटज पर्वत का ऊंचाई 10,668 मीटर है और ये दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। अब देखिए, अब क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो देखिए, ये सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। मान लो कि ये चंद्रमा है तो ये चक्कर लगा रहा है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर सूर्य से रोशनी जब जाती है, सूर्य की किरणें जब जाती है, तो चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होने के कारण इस एरिया में जब आता है, इस क्षेत्र में, तो पृथ्वी से इस तरफ होने के कारण यहाँ पर प्रकाश ही नहीं पहुँच पाता है, तो चंद्रमा पर बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। इसे कहते हैं मून इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, मून इक्लिप्स। इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये आपका यहाँ पर जो घटना घटती है इस कंडीशन में, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो इसे ध्यान रख रहा है चंद्र ग्रहण, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के इस हिस्से में होता है, जिसके चलते सूर्य से प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है और चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ से चंद्रमा जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते या इस एरिया से होते हुए जैसे यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर, तो यहाँ जैसे ही पहुँचता है तो पृथ्वी से चंद्रमा छोटा होने के चलते पृथ्वी के कुछ भागों में अंधेरा छा जाता है।
तो पृथ्वी के कुछ भागों में अंधेरा छा जाने के कारण यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, तो अब तो पृथ्वी ग्रहण लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लगता है क्या, सूर्य ग्रहण। कौन सा होता है, सूर्य ग्रहण। तो इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। आप देखेंगे अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि इस एरिया से सूर्य यहाँ से निकलता है, मतलब चंद्रमा यहाँ से निकलता है, तो मतलब जिस जिस एरिया में जाएगा वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी कंट्री आएंगे। तो इसे ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण। तो सन इक्लिप्स बोलते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है। समझ गए इतनी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि पूर्णिमा, पूर्णिमा आप लोग जानते होंगे कि पूर्णिमा उस दिन को बोलते हैं जिस दिन चंद्रमा फुल मून को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं। चंद्रमा एकदम पूरी तरीके से दिख रहा होता है और प्रकाश बहुत, मतलब कुछ ज़्यादा ही लाइटनिंग होती है उसमें, और वो सूर्य के प्रकाश से बहुत तेज चमकता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसी भी ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, सारे ग्रह किससे चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उसे चमकते हैं। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को, सौर मंडल का एकमात्र सूर्य ही क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो तारे में ही नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो सकती है, और नाभिकीय संलयन ही तारों में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा ग्रहों में नहीं होता है। तो ग्रह या उपग्रह जो भी है, अगर उसमें प्रकाश निकल रही है तो इसका मतलब कि वो सूर्य उसका मुख्य स्रोत है, उसका कोई अपना प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन कुछ ज़्यादा ही, मतलब कहने का है कि बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, और चमकीला दिखाई देने के चलते ये लगभग आकार में भी कुछ बड़ा दिखने लगता है। आप देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन कुछ बड़ा ही दिखने लगता है और प्रकाश बहुत ज़्यादा देता है। तो प्रकाश कुछ ज़्यादा होने के चलते इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर मून, क्या बोलते हैं, सुपर मून। तो सुपर मून ध्यान में रखना है कि सुपर मून क्या होता है, सुपर मून वही पूर्णिमा का होता है, पूर्णिमा के दिन जो होता है वो आकार में कुछ ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है और भी ज़्यादा प्रकाश उसके पास आ जाता है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा चमकीला होने के चलते उसी क्या कहते हैं इसे, सुपर मून कहा जाता है। तो सुपर मून बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, बस उसी को ध्यान रखना है कि पूर्णिमा जैसा ही होता है और उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखता है और ज़्यादा उस दिन चमकीला दिखता है। उसके बाद एक ही महीने में दो पूर्णिमा की घटना घट जाए। आप जानते होंगे कि एक महीना में एक ही पूर्णिमा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक महीने में दो पूर्णिमाएं की घटना घट जाती है, दो, जैसे एक एक तारीख को हो, 31 तारीख को हो गया इस तरीके से। तो मान लीजिए कि किसी किसी महीने में दो पूर्णिमा की घटना घट जाती है, दो पूर्णिमा की घटना घट जाती है, उसे कहा जाता है ब्लू मून। क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून। तो इसे ध्यान रखना है, ब्लू मून किसे कहते हैं, तो एक महीने में दो पूर्णिमा की घटना घट जाती है। और अगर एक साल में ब्लू मून की दो तीन घटनाएं घट जाए, माने एक से अधिक घट जाए, तो समझ लीजिए कि उसे मून ईयर कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, मून ईयर नाम दे दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, मून ईयर। तो मून ईयर क्या होता है कि मून ईयर उसको बोलते हैं जब एक साल में, एक महीने में जैसे दो पूर्णिमा की घटना घट गई, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। अगर दो तीन ब्लू मून एक ही साल में हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मून ईयर बोलते हैं। और सुपर मून तो आप समझ ही रहे हैं सुपर मून में क्या होता है। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, किसके बारे में था, ये चंद्रमा के बारे में था। तो चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड लगता है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 384,000 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन 7 घंटे में चक्कर लगा लेता है। 27 दिन 7 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और 1.3 सेकंड में उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो ये इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग पूछल तारा के बारे में, जिसे बोलते हैं कॉमेट, कॉमेट यानी कि पूछल तारा। तो चलिए पूछल तारा को भी देख लेते हैं।
पूछल तारा क्या होता है? पूछल तारा, पूछल तारा इसको बोलते हैं कॉमेट, कॉमेट। देखिए पूछल तारा क्या होता है, पूछल तारा एक समझिए कि एक गैसीय पिंड है। मतलब कहने का है कि ऐसे तो बहुत सारे आपको आपको आकाशीय पिंड देखने को मिलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज देखने को बहुत सारे आपको आकाश में मिलेंगे, उसमें से ही एक कॉमेट है, पूछल तारा है। पूछल तारा का कोई फिक्स समय नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे पूछल तारा होते हैं जो अपने फिक्स टाइम में, फिक्स समय में वो घूम करके वैसे ही आते हैं। लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे पूछल तारा होते हैं जो घूमते रहते हैं, उसको पता नहीं चलता है मतलब कि फिर अब आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे तारे होते हैं पूछल तारे जो फिक्स समय पर फिर से रिटर्न हो जाते हैं, तो उन्हीं का हम लोग बात करेंगे। देखिए ये गैसीय गैस गैस का बने होते हैं, मतलब इनका ये गैसीय गोला होता है, जैसे सूर्य है वैसे ही ये भी होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। और इनकी जो गैसीय है, गैसीय पूंज होती है, ये गैस का बना होता है, ये पूंछ पूंछ टाइप का दिखता है, मतलब इनका जो गैसीय एक पूंछ बन जाता है। ये इतने तीव्र होते हैं कि इनका जो गैस है वो लॉ के रूप में, मतलब कहने का है कि एक सीरीज के रूप में पीछे छूट जाता है इस तरीके से, और इसे पूंछ माना जाता है, तो इनका एक पूंछ होता है, तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, पूछल तारा, मतलब पूंछ वाला तारा, तो इसे पूछल तारा कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के वैज्ञानिक जिनका नाम था हेली, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेली, तो हेली नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक तारे का खोज किया, हेली पूछल तारा। तो हेली पूछल तारा, हेली पूछल तारा के बारे में ध्यान दीजिएगा, हेली जो पूछल तारा है ये इसका फिक्स टाइम होता है कि ये कब रिटर्न होगा। तो हेली पूछल तारा 76 वर्षों में रिटर्न होता है। 76 वर्षों में क्या होता है भाई, रिटर्न होता है मतलब लौटता है। तो ये 1976 में रिटर्न हुआ था, 1976 में ये 1986 में ये दिखाई दिया था लास्ट टाइम, जो पूछल तारा है वो लास्ट टाइम दिखाई दिया था कब, तो ये 1986 में दिखाई दिया था। अब आने वाले समय में कब दिखाई देगा, तो प्लस 76 यहाँ पे कर लीजिएगा, तो प्लस 76 करिएगा तो क्या होगा, 662 हो जाएगा, 68 मतलब 2000 यहाँ पे 62, मतलब ये आने वाले समय में 76 साल और जोड़ दीजिए, तो लास्ट टाइम ये दिखा था 1986 में, और 76 साल जोड़ दीजिएगा तो आने वाला 2062 का जो ईयर होगा उसमें ये पूछल तारा दिखाई देगा। तो देखने के लिए तैयार रहना है, हम लोग पता नहीं रहेंगे कि नहीं देखने के लिए, हो सकता है कि रहें, क्योंकि दिन पर दिन मनुष्य का जो औसत एज है वो कम होते जा रहा है। तो 1986 में दिखाई दिया था पूछल तारा, और 76 साल बाद कब दिखाई देगा, 2062 में। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हेली पूछल तारा कब दिखाई दिया था आखिरी बार, तो 1986 में, आगे कब दिखाई देगा, तो ये 2062 में दिखाई देगा। कितने वर्षों पे दिखाई देता है, तो 76 वर्षों पे दिखाई देता है। तो इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने, अब हम लोग आगे मैपिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैपिंग का क्लास खूब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारे महाद्वीपों के बारे में हर चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से जाती है, कर्क रेखा किन किन देशों से, मकर रेखा किन किन देशों से, कितने महादेश है, कितने महासागर है, कितने सागर हैं प्रत्येक देश के बारे में, दुनिया के घास के मैदान कितने हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब से हमारा जो स्टार्ट होगा वो मैपिंग का क्लास से स्टार्ट होगा, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।